देखिए गाइस, बिना करण जी के दिवाली कैसी, और अभी तो काजू के बिना हमारी दिवाली कैसी। तो इफ यू लाइक माय रेसिपीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंजॉय। नमस्ते दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे करण जी, जो बिना दिवाली, करण जी बिना दिवाली की होती ही नहीं है ऐसा लगता है। तो आज थोड़ा अलग डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। मैंने रवा बहुत, सूजी बहुत कम लिया है। देखिए गाइस, करीबन 2.5 टेबलस्पून ही लिया है। मावा लिया है, ड्राई फ्रूट का पाउडर लिया है, कोकोनट लिया है, ये धागे वाली शक्कर यानी खड़ी शक्कर का पाउडर है, और इलायची है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, मैंने पैन को ऑलरेडी मैंने गरम रखा है। मैं देखिए गाइस, रवों को भून रही हूँ। थोड़ा सा घी डाल के भूनेंगे तो थोड़ा सा मतलब सूजी का टेस्ट भी मस्त रिच हो जाएगा। हो चुकी है, अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट का पाउडर डाल देंगे। करीबन 200 ग्राम्स है ये ड्राई फ्रूट का पूरा, ड्राई फ्रूट एंड सीड्स सब मिला के मैंने 200 ग्राम्स रखा है। अब इसमें मैं डाल दूंगी कोकोनट पाउडर, यानी डेसिकेटेड कोकोनट लिया है मैंने। आप वो ड्राई वाला जो आता है ना, कटोरी वाला, उसको भी आप चन ग्राइंड करके ले सकते हैं, कद्दूकस करके ले सकते हैं। अभी देखिए गाइस, ये खोया भी 200 ग्राम से करीब है, जिसको हम, देखो गाइस मैं डाल दिया है। बस देखिए गाइस, अब हम क्या करेंगे, इसमें इलायची डाल देंगे। इलायची का थोड़ा ज्यादा फ्लेवर रखेंगे हम। सब शक्कर हम थोड़ी देर के बाद डालते, थोड़ा ठंडा होने के बाद। अभी डालेंगे ना तो वो पूरा पकड़ लेगी शक्कर, अभी से है उसके गाठे बनने शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ी से हम बस अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया, थोड़ा सा हल्का गर्म ठंडा हो जाएगा ना, फिर हम डालेंगे शक्कर। गाइस जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही तब तक हम मैदे का आटा गूंद लेंगे। मैदा लिया है, उसमें थोड़ा नमक डाला है और घी का मोन लेंगे। आपको कैसी चाहिए उसके हिसाब से आप कीजिए, मुझे क्रिस्पी चाहिए। गाइस खस्ता होने के लिए मैंने घी का मोन लिया है, आप ऑयल का भी ले सकते हैं। बहुत नरम आटा नहीं गूंदना है गाइस, बंद करके रेस्ट दे देंगे। देखिए गाइस, इसको बंद कर देंगे अपने आप। ये चाशनी में हम काजू का पाउडर डाल दिया है जो मैंने छान के रखा है। पहले हम इसका एक डो बना लेंगे, फिर इसकी आगे की प्रोसीजर होगा। डो हो चुका है, अब मैं इसको एक थाली में निकाल लेती हूँ ताकि जल्दी ठंडा हो जाए और हम आगे की प्रोसीजर जल्दी कर सके। गाइस देखिए, एक में मैंने रेड कलर रखा है और एक में मैंने ग्रीन कलर किया है। तो हम पहला एक ग्रीन वाला अच्छे से उसको देखिए मिक्स कर लेते हैं, भी कर लेते हैं। देखिए गाइस, ग्रीन व्हाइट और रेड तीनों कलर हो चुके हैं। अब हम थोड़ा समझ जाएंगे आप मैं क्या बनाने वाली हूँ। देखिए गाइस, मैंने इसको मैंने फ्लैटन कर लिया है ग्रीन को। मैंने बहुत ज़्यादा कलर नहीं डाला है गाइस, बहुत डार्क कलर करते हैं ना बहुत मज़ा, बहुत ज़्यादा टेस्ट खराब हो जाता है। देखिए अभी एक व्हाइट रखते हैं, व्हाइट को भी पूरी बनाएंगे, हाथ से ही करनी है फटाफट। देखिए गाइस इस तरह से इसमें आया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे मैं बताती हूँ, बस ज़्यादा नहीं जाएंगे, 10-15 तिल डाले हैं, भी आप समझ जाओगे मैं क्या कर रही हूँ। देखिए गाइस, अभी आप समझ जाओगे मैं क्या कर रही हूँ। ड्राई होने देंगे,
एक बॉल हुआ, ऐसे हम बाकी के दो तीन बॉल बना लेते हैं। देखिए गाइस मेरे तीन बॉल हो चुके हैं, तो अब हम इसको रख, उससे अच्छा बेटर है कि हम उसको दो चार घंटे ऐसे बाहर एटमोसफियर में ही ठंडा होने देते हैं, कोई फ्रिज में नहीं रखना है ठंडा करने के लिए, एकदम मस्त कड़क हो जाएंगे सारे बॉल्स। गाइस देखिए ये मिक्सर ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें शक्कर मिला लेंगे। गाइस शक्कर थोड़ी ज्यादा मिलानी है क्योंकि जो ऊपर का कवरिंग होगा, करंजी है तो ऊपर का जो कवरिंग होगा वो एकदम शुगर, उसमें शक्कर नहीं होगी, इसीलिए मैं इसमें अच्छे से मिला रही हूँ शक्कर। गाइस देखिए मस्त मिक्स कर लिया है, अब हम थोड़ी देर के बाद उसका करंजी बनाएंगे। देखिए गाइस अब हम करंजी करेंगे, करंजी करने के लिए पहला पूरी बेलनी पड़ेगी। मसाला भरा है, उसको अच्छे से हाथ से देखिए भर के मैंने फोल्ड कर लिया है, ये देखिए गाइस। अभी क्या करेंगे, फोक की मदद से पूरा साइड दबाया था ना उधर, फोक की मदद से ये कर लेंगे, खाली अंदर नहीं जाना चाहिए, ये जो पतला जो दबाया ना उधर ही अपना लटकना चाहिए, देखो जहाँ सॉरी जहाँ दबाया ना वहीं आना चाहिए। अभी देखिए बैक लेना है, उसको अंदर से इसे कर्व दे लेना है, कर्व। देखिए गाइस कैसे लग रहा, हाथ से करते तो ज्यादा अच्छा रहता है। देखिए मसाला लेके हाथ से ही पहले सब साइड उसको दबा दीजिए, नीचे करेंगे ना तो वापस निकल रहा है, देखिए मैं दबा दिया है फटाफट। अभी देखो ऐसे प्रेस कर दीजिए फोक की मदद से, तो फोक की लाइन भी देखेंगे और ये सील भी हो जाएगा अच्छे से। और देखिए गाइस बैक से मैंने इसको कर्व दे दिया, कितना मस्त लगा है, देखिए गाइस कितनी सुंदर हो गई आपकी, ये अलग है ये टाइम दिवाली के लिए, मिडिल में भरी है, हाथ से अच्छा पड़ता है। देखिए गाइस ये देखिए अच्छे से चारों साइड से दबा दिया है, अभी जो दबाया हुआ है उसके ऊपर फोक से दबा देंगे। रोज एक तरीके से खाने से, अभी देखिए ये टाइम नया और ये मोटा भी नहीं होगा नीचे से, साइड से पतला पतला ही रहेगा वेफर जैसा, कैसा लगा आपको गाइस। हम लोग घी में ही फ्राई करेंगे और ज्यादा चमचे को नहीं डालना है, नहीं तो अगर पहला किया हुआ रहेगा थोड़ा ड्राई हो चुका रहेगा तो फट जाएगा, तो आराम से देखिए एकदम धीरे गैस पे करेंगे, ज्यादा गर्म होगा घी तो ऐसे थोड़ा डार्क कलर हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा स्लो रखिए गैस को। एक साथ ज्यादा मत डालिए गाइस, दो दो खटक के वो टूट सकता है, टूटने से क्या होता है तेल खराब होता है। देखिए धीरा गैस है एकदम ही, कभी कभी क्या होता है स्टार्टिंग में हम गर्म करते हैं ना तो एकदम गर्म रहता है, देखिए अभी गर्म नहीं है थोड़ा नॉर्मल हो चुका है, और करंजी को घी में तलने से ही टेस्ट अच्छा आता है। नहीं तो वो पूरा तेल घी बिगड़ जाता है। देखिए गाइस इसी तरह से हम बाकी के तल लेंगे लाइट पिंक कलर के, ये पतले चाकू है ना, पतले चाकू से अच्छे कट रहे हैं, तो मैंने ट्राई ऑल करते हैं और पतले काचू चाकू से ट्राई करते हैं। गाइस देखिए ये देखिए गाइस मस्त निकलते हैं, हमारे काजू कलिंगर तैयार है गाइस। देखिए गाइस आराम से ये देखिए गाइस और करंजी, देखिए गाइस बिना करंजी के दिवाली कैसी, और अभी तो काजू के बिना हमारी दिवाली कैसी। गाइस काजू के कलिंगर रेडी है हमारे, कट करके भी रेडी है सीधा खाइए, और हमारे करंजी रेडी है,
इफ यू लाइक माई रेसिपीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. एंजॉय.